सैमसंग ने आज भारतीय बाजार में अपनी गैलेक्सी ए सीरीज के तहत एक और नया स्मार्टफोन गैलेक्सी A31 जोड़ दिया है। आकर्षक लुक और शानदार स्पेसिफिकेशन से लैस यह स्मार्टफोन मिड बजट में लॉन्च किया गया है, जो आज से ही देश में सेल के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो आइए आज इस वीडियो में रिव्यू करते हैं हम सैमसंग गैलेक्सी A31 का और जानने की कोशिश करते हैं कि इस स्मार्टफोन में क्या खास है। सैमसंग गैलेक्सी A31 को प्रिज्म क्रस्ट डिजाइन पर बनाया गया है, जो वाटर ड्रॉप नॉच सपोर्ट करता है। फोन की डिस्प्ले तीन ओर से जहां नैरो बेजल्स वाली है, वहीं नीचे की ओर चौड़ा चिन पार्ट दिया गया है। डिस्प्ले के ऊपरी ओर ठीक बीच में यू शेप वाली छोटी सी नॉच दी गई है। सैमसंग गैलेक्सी A31 के बैक पैनल की बात करें तो यहाँ क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जो पैनल के ऊपर दाईं ओर स्क्वायर शेप में स्थित है। इस रियर कैमरा सेटअप में चार कैमरा लेंस दिए गए हैं, जो एल शेप में हैं। स्क्वायर शेप में ही सेंसर्स के साइड में फ्लैश लाइट लगी है। फोन के बैक पैनल से फिंगरप्रिंट सेंसर नदारद है और नीचे की ओर सैमसंग की ब्रांडिंग दी गई है। गैलेक्सी A31 के दाएं पैनल पर वॉल्यूम रॉकर पावर बटन दिया गया है और बाएं पैनल पर सिम स्लॉट मौजूद है। इसी तरह फोन के लोअर पैनल पर सी पोर्ट के साथ स्पीकर ग्रिड दी गई है। चलिए अब इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A31 2400 पिक्सल्स इंटू 1080 पिक्सल्स रेजोल्यूशन वाली 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड इन्फिनिटी यू डिस्प्ले सपोर्ट करता है। सैमसंग ने इस फोन को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तकनीक से लैस किया है, साथ ही स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए ग्लास की कोटिंग भी दी गई है। सैमसंग गैलेक्सी A31 को एंड्रॉयड के लेटेस्ट OS एंड्रॉयड 10 पर बनाया गया है, जो ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ मीडियाटेक के हीलियम P65 चिपसेट पर रन करता है। इंडियन मार्केट में इस फोन को 6GB रैम मेमोरी पर लॉन्च किया गया है, जो 128GB की इंटरनल स्टोरेज सपोर्ट करता है। माइक्रो SD कार्ड के जरिए आप मेमोरी को 512GB तक बढ़ा सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए सैमसंग गैलेक्सी A31 क्वाड रियर कैमरा सपोर्ट करता है। फोन के बैक पैनल पर फ्लैश लाइट के साथ F2.0 अपर्चर वाला 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है। इसके साथ ही यह फोन F2.2 अपर्चर वाला 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड एंगल लेंस, F2.4 अपर्चर वाला 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और F2.4 अपर्चर वाला 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस सपोर्ट करता है। इसी तरह सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए सैमसंग गैलेक्सी A31 में F2.2 अपर्चर वाला 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। सैमसंग गैलेक्सी A31 एक डुअल सिम फोन है, जो 4G VoLTE सपोर्ट करता है। बेसिक कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ ही इस फोन में 3.5mm जैक भी दिया गया है। वहीं पावर बैकअप के लिए सैमसंग गैलेक्सी A31 में 15 वॉट क्विक चार्ज सपोर्ट वाली 5000mAh की बैटरी दी गई है। सैमसंग की ओर से इस फोन को भारत में ब्लू, व्हाइट और ब्लैक कलर वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जो 21,999 रुपये की कीमत पर सेल के लिए उपलब्ध होगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको सैमसंग गैलेक्सी A31 के बारे में बताया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करें।